एक मिनट में आपको दो इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्री और हाइब्रिडेशन बताता हूं। तो फर्स्ट है हमारा NiCO होल फोर, ठीक है, NiCO होल फोर, तो हमको पता है CO जो है वो हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, तो हमारा Ni0 हो जाएगा, Ni0 मतलब 4s2 3d8। बट हमको पता है CO जो है हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 4s2 के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा 3d8 भेजेगा, तो 3d10 बन जाएगा हमारा, 3d10 बन जाएगा, 4s खाली हो जाएगा और 4p भी खाली हो जाएगा। तो आपकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, आपको लिगेंड कितने चाहिए, चार लिगेंड चाहिए, तो आपकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी sp3, तो हमारी sp3 हाइब्रिडेशन होगी टेट्राहेड्रल, sp3 के लिए ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो हमारी डायमैग्नेटिक हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट NiCN होल फोर टू माइनस, NiCN होल फोर में CN जो है हमारा CN माइनस होता है, तो Ni2+ हो गया, Ni2+ मतलब 4s0 3d8, 4s0 3d8, तो हमको पता है CN जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग कर देगा, 3d8 में पेयरिंग होगी तो कैसा होगी 1, तो हमारी हाइब्रिडेशन क्या होगी, हमारी हाइब्रिडेशन होगी DsP2, हमारी हाइब्रिडेशन होगी DsP2, तो ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है इसलिए डायमैग्नेटिक होगा नेचर। For more such 1 minute videos, just subscribe to my channel.